सबसे पहले देखेंगे कि मीनिंग ऑफ पावर शेयरिंग क्या होती है। जब पावर को किसी पर्टिकुलर पर्सन के हाथ में ना देकर उसे डिवाइड किया जाता है लेवल्स में। मैं इसे एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूँ। जैसे हमारे घर में सबका काम क्या होता है, अलग अलग होता है। आपके फादर का काम कुछ और होता है, मदर का कुछ और होता है, आपका और आपकी सिस्टर का कुछ और होता है। और एक और एग्जांपल से समझते हैं इसे। स्कूल में क्या होते हैं कि प्रिंसिपल होते हैं, HOD होते हैं और टीचर्स होते हैं। तो सबका काम क्या होता है, अलग अलग होता है। तो पावर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के हाथ में ना देकर उसे डिवाइड कर दिया जाता है कि सारी चीज़ें अच्छे से रन करें। इसी तरह एक कंट्री में होता है कि सारी पावर को किसी एक इंसान के हाथ में ना देकर उसे फर्दर लेवल्स में डिवाइड कर दिया जाता है। तो डेमोक्रेसी में पावर को डिवाइड किया जाता है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में। मतलब कि एक रूल बनाएगा, एक रूल्स को फॉलो करवाएगा और एक चेक एंड बैलेंस का काम करेगा कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसे ठीक करें। और जुडिशरी में आता है हमारी, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है। अगर सपोज किसी कंट्री की पावर किसी एक इंसान के हाथ में दे दी जाए तो वो जाहिर सी बात है कि वो डिक्टेटर बन जाएगा। आपने हिटलर का एग्जांपल देखा ही होगा जर्मनी में। अब देखेंगे प्रूडेंशियल रीजंस और मोरल रीजंस। तो प्रूडेंशियल रीजंस में देखेंगे कि पावर शेयरिंग हेल्प करती है जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं उन्हें रिड्यूस करती है। अगर गवर्नमेंट सबको इक्वली ट्रीट करे तो सारी कम्युनिटीज को प्रेफरेंस दे तो कॉन्फ्लिक्ट होगा ही नहीं। और मोरल रीजंस, पावर शेयरिंग स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी है। शेयरिंग ऑफ पावर हमें ज़्यादा पावरफुल बनाता है। अब देखेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में हॉरिजॉन्टल आता है और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर आता है। हॉरिजॉन्टल में सेम लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, जैसे लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। और वहीं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में सबसे ऊपर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर होती है स्टेट गवर्नमेंट और लास्ट में होता है लोकल गवर्नमेंट, जिसमें पंचायती सिस्टम और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आता है। तो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट और सबसे लास्ट में होती है लोकल गवर्नमेंट। इसे ही फेडरल डिवीज़न बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।